अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक टू माय चैनल इरशाद्स वर्ल्ड। उम्मीद है कि आप सब खैरियत से है ना। आज मेरा रेसिपी है कैरेट की हलवा, मतलब गाजर की हलवा है। ये गाजर की हलवा प्रिपेयर करने के लिए रेड कलर की गाजर ले ले तो टेस्ट बहुत अच्छा रहता। ये तो जल्दी भी गल जाएगा, इसलिए रेड कलर की गाजर को हमें इस्तेमाल करना है। देखिए, मैंने 1 किलो रेड कलर की गाजर ले ली हूँ। लेकर उसको एडजस्ट कट करके उसके स्किन को पील कर दी हूँ। पील करके उसको स्लाइस कर दी। एक कढ़ाई चूल्हे पर रखकर स्टोव ऑन करके उसमें 3 से 4 चम्मच तक घी डाल लेना। ये स्लाइस किया हुआ कैरेट को वो घी में डाल के फ्राई कर लेना। एक 5 मिनट अच्छे से फ्राई कर लेना। ऑरेंज कलर का कैरेट है तो जल्दी नहीं गलता, यह है तो जल्दी गल जाएगा, देख लीजिएगा। 1-5 मिनट ऐसा फ्राई करने से ये जल्दी सॉफ्ट बन जाता। एक 5 मिनट्स के बाद देखिए ऐसा हो गया। ऑलमोस्ट तो ये गल गया है। इसको निकाल के एक प्लेट में रख देना। फिर से वो पतीला को अच्छे से धोकर दूध डाल के, मतलब कैरेट के हलवा बनाने के लिए थोड़ा कढ़ाई जैसा पतीला है तो अच्छा रहेगा, इसलिए फिर से उसको क्लीन करके दूध डाल रही हूँ मैंने। नहीं दूसरा वाला है तो भी यूज़ कर सकते। एक 1/2 लीटर दूध डाली, फिर भी मेरे को नहीं भर होता जैसा लगा, इसलिए मैं तो और थोड़ा दूध डालती है। आपकी मर्जी है, जो भर होता बोले तो डाल सकते, नहीं तो ये 1/2 लीटर से भी बना ले सकते। दूध तो बॉयल होता है जब चीनी डालना है। चीनी तो 400 ग्राम्स तक डाली मैंने। नहीं आप ज़्यादा और मीठा खाते तो आपकी टेस्ट के बराबर डाल सकते। ये चीनी मिक्स हो गया मिल्क में। 2-3 इलायची काट के क्रश कर रही हूँ। ये फ्राई किए हुए कैरेट को ये दूध में डाल देना। डाल के ये 10 मिनट्स तक अच्छा पकने देना इसको। अच्छा हाई फ्लेम पे रख के पकने देना इसको। इसको मिक्स करते रहना, नहीं तो नीचे का पूरा दाग लग जाएगा, इसलिए मिक्स करते रहना। ये तो मिल्क मेड है, अमूल वाला ले ली मैंने। मिल्क मेड आपका टेस्ट के हिसाब से डाल सकते। आप ज़्यादा मीठा खाते तो ज़्यादा डाल सकते, चीनी ज़्यादा डाले ये कम डाल ले सकते, आपकी मर्ज़ी।
आपकी टेस्ट के बराबर ये मिल्क मेड को डाल देना। इसको अच्छे से मिक्स कर लेना। इसके बाद कोवा भी डाल दो, बहुत अच्छा स्वादिष्ट बनता। एक कोवा तो मैं 150 ग्राम्स तक डाली हूँ, आपकी मर्जी है, ये बिल्कुल भी ऑप्शनल है, आपके पास है तो डाल सकते, नहीं तो नहीं। ये डाले तो बहुत अच्छा टेस्ट आ जाता, इसलिए कोवा डाली मैंने। इसको भी अच्छे से मिक्स कर देना। ये इलायची क्रश करे हुए है ना, ये 2-3 से इलायची है, ये 2-3 इलायची क्रश करके इसमें डाल देना और इसको भी मिक्स कर देना। थोड़ा सा ऑरेंज फूड कलर है तो डाल देना, मेरा वीडियो में ये तो स्किप हो गया, सॉरी। देखिए बन गया है, यम्मी यम्मी गाजर की हलवा बनता है। ये शादी वाली बारात में ज़्यादा हैदराबाद में ये कैरेट के हलवा को प्रिफर करते। इसमें थोड़ा ड्राई फ्रूट्स डालेंगे, आपकी मन मर्जी है तो ड्राई फ्रूट्स डाल सकते, आपके घर में जो भी ड्राई फ्रूट्स अवेलेबल है वो डाल सकते। ऑलमोस्ट बन गया, अब इसको स्टोव ऑफ कर देंगे। एक बार ड्राई फ्रूट्स को भी अच्छे से मिक्स कर लेंगे। वाव, यम्मी यम्मी जबरदस्त गाजर की हलवा तो बन गया है। इसको एक सर्विंग बाउल में डाल देंगे। इस पर और गार्निश के लिए ड्राई फ्रूट्स डाल देंगे। मेरा ये वीडियो आपको पसंद आया तो मेरे चैनल सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, बेल बटन प्रेस कीजिए, नोटिफिकेशन को ऑन कीजिए। और ये गाजर की हलवा अच्छी लगी नहीं लगी की कमेंट भी कर दीजिए। प्लीज़ वॉच एंड सब्सक्राइब माय चैनल। ये तो बहुत टेस्टी लग रहा, बिल्कुल भी देखने में बहुत स्वादिष्ट बना और खाने में भी बहुत अच्छा है। थैंक्स फॉर वॉचिंग, अल्लाह हाफिज़। दुबे में याद रखिए।